और ये देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किससे, आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बात कर रहे थे हम लोग, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या था आपको, ये चार तरह का प्रोटीन होता है, एक 1D होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है और एक 4D होता है, ठीक है। 1D पे हम लोग जो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि आप बस सिंपल एमाइनो एसिड को जोड़ते जाओ एक रॉड लाइक मैनर में, जब एमाइनो एसिड ज्वाइन करता है वन अनदर इन लुक लाइक ए रॉड लाइक मैनर, है ना, रॉड लाइक मैनर में जब ये जुड़ता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस घटना को हम लोग, है ना, सिंगल आपको या 1D या प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं। हमने कहा था धरती पे प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, आप चाहो तो लैब में बना सकते हो, आपके पास मौका है एक बनाने का, लेकिन हमने कहा था कि सर कोई भी आपको प्रोटीन का जो चेन होता है वो 1D में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि बनते ही हाइड्रोजन मोल बना लेता है। लास्ट क्लास में हमने आपको चर्चा किया था कि अगर आप एक एमाइनो एसिड का फोटोग्राफ देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे कुछ भी R1, और फिर यहाँ पे फिर आपको एक और एमाइनो एसिड था ये, और यहाँ पे आप क्या देखे थे H, यहाँ पे R2, यहाँ पे भी H था, और यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड O और OH था जी, ठीक है। ये H कल क्लास नहीं हुआ था सर, जाएगा क्या हुआ, कल क्लास नहीं हुआ था, नहीं कल क्लास नहीं हुआ था, कल नहीं हुआ था, तुम कल आया था कि नहीं, कल नहीं देखा था मैसेज, तो ये दोनों बॉन्ड बना दिया, है ना, ये दोनों जो बॉन्ड बनाते इसको क्या कहते थे, पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन हमने कहा था एक बॉन्ड और बन सकता है ना जी, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और बन सकता है, इसके और इसके बीच में बन सकता है जी, जब इसके बीच में बनेगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेन इस तरह से हो जाएगा जी, ठीक है। ये स्ट्रेन बता रहा है सर क्या, हेलिक्स के फॉर्म में या 2D फॉर्म में ले जाता है जी, ठीक है, आज का क्लास यही है, 2D फॉर्म पढ़ने वाले हम लोग है, 2D है ना, आपको स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, है ना जी, आपको एमाइनो एसिड, है ना जी, सही प्रोटीन, है ना, आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग 2D प्रोटीन भी कह सकते हैं, ये नॉन लिविंग होता है, ये हमने आपको बताया था कल या उस दिन हम बोल दिए थे ये नॉन लिविंग होगा, और एक पॉइंट और बोले थे इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, प्रोटीन का तो सबसे बड़ा खासियत है पेप्टाइड बॉन्ड का होना, लेकिन अलोंग विथ, है ना, और क्या होगा सर इसके पास, अलोंग होगा सर आपको अलोंग विथ है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा जी, ठीक है। जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो हमने कल कहा था आपको या उस दिन कहा था कि जब एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, है ना जी, ये दूसरा तीसरा के साथ जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो सर चांस क्या होता है सर आपको, है ना जी, चांस ये देखते हैं कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मिनिमम एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा जो इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा हेलिक्स के फॉर्म में चेंज कर देगा जी। अगर आप एक्सिस बनाइएगा कुछ आप देख भी रहे कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या सर आपको वाई एक्सिस है, थोड़ा सा इधर बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस उठा हुआ है, तो इसको वाई एक्सिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। 2D यही ना होता है जी, एक्स वाई एक्सिस में आ गया तो, और हमने कहा था ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, यहाँ पे आपको कार्बोजाइल ग्रुप होगा और दूसरे का एमाइन ग्रुप होगा सर, ठीक है, ये इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को खींचता है अपने तरफ और आपको खींच करके इसको क्या होता है घुमा देता है सर, है ना, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको 2D स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, है ना, आपको किसके किसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन, अभी लिखे भी थे फाउंड बिटवीन है ना जी, आपको कार्बोजाइल ग्रुप, है ना, इसको सी डबल बॉन्ड और ग्रुप, यानी इसको कार्बोजाइलिक ग्रुप कह सकते हैं, कार्बोजाइलिक ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप, है ना जी, एंड किसके बीच में आपको एमाइन ग्रुप के बीच में जी, ठीक है, मिनिमम तो ये तो होगा ही एमाइन ग्रुप के बीच में जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आवाज जा रहा है, हेलो, हाँ सर आ रहा, हाँ ठीक है सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे, है ना जी, दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे आता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इतना और इसके इसके बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये आ रहा है सर, ठीक है, जब आप इसको देखते हैं सर, ठीक है, ये दो तरह का दिखा देता है, 2D प्रोटीन जो देखते हैं
दो तरह का होता है, कितनों तरह का हो सब मरा ही हुआ ही होगा, डेड होगा जी, ठीक है। 2D प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, है ना, बीटा प्लेटेड शीट, है ना जी। ये आपको जो देखते हैं 2D यानी अल्फा हेलिक्स जो देखते हैं फाउंड इन है ना, 2D जो देखते हैं सर, ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन है ना, 2D प्रोटीन जो देखते हैं फाउंड इन, है ना, आपको एक मिनट, है ना, 2D प्रोटीन जो है ना सर, ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन, है ना जी, आपको केराटिन, है ना, ये सॉरी फाउंड इन हेयर, सॉरी ऐसे लिखना था, हेयर, है ना जी। इसके बाद क्या होगा सर, आपको नेल है ना, और इन मेकिंग डेस्मोसोम याद कीजिए आप लोग, दो प्लाज्मा में जो चिपकता है ना, उस घटना को क्या कहते हैं, डेस्मोसोम कहते थे। एक सेल ये है और दूसरा सेल है एनिमल सेल है, और एनिमल सेल एक दूसरे से चिपक जाता है सर, तो इस घटना को हम लोग डेस्मोसोम फॉर्मेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इधर से चिपका के रखने मतलब अंदर की तरफ से होता है सर आपको केराटिन प्रोटीन, ये एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो आपको पाया जाता है सर। अब देखो ये अल्फा हेलिक्स कहाँ पाया जाता है वो लिखे हैं, है ना जी, वो प्रोटीन जो अल्फा हेलिक्स के तौर पे माना जाता है सर, ठीक है, दिमाग लग रहा है, इसमें हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, वो है केराटिन प्रोटीन, है ना जी, केराटिन प्रोटीन रिप्रेजेंट अल्फा हेलिक्स। देखो नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केराटिन प्रोटीन होता है सर, ठीक है। केराटिन प्रोटीन दिखता कैसा है, अल्फा हेलिक्स जैसा दिखता है जी, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन जो देख रहे हैं, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन, है ना, लिखा आपको, है ना, आपको केराटिन प्रेजेंट इन, है ना, लिखा आपको एवब, छोड़ो, केराटिन प्रोटीन इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना, अल्फा हेलिक्स। ये किसका एग्जाम्पल होगा, अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल होगा जी, ठीक है। केराटिन प्रोटीन क्या देखते हैं हम लोग, अल्फा हेलिक्स का आपको एग्जाम्पल में आता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अल्फा हेलिक्स याद कीजिए आप लोग, है ना, अल्फा हेलिक्स का फोटोग्राफ आप लोग को देखना है। देखिए इसमें हम लोग जैसे नॉर्मल चेन बना रहे हैं ना, ये नॉर्मल चेन क्या जैसे ऐसे घूम जाएगा इस तरह से, इस तरह से जो घूमेगा ना, ये घूमा इसलिए क्योंकि सर इसके हेलिक्स में क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड आ जाता है सर, NH बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक दूसरे को टांगता रहता है सर, ये जो टांगता रहता है ना NH और ये इसी वजह से सर क्या होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सर। यहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं आप, कहीं पे H लगा देते हैं, ये H इसको खींच रहा होता है सर, जब ये खींचता है ना सर, तो ये कैसा प्रोटीन बन जाता है, हेलिक्स के फॉर्म में बन जाता है सर। हेलिक्स जो होता है सर ये देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा चेन बनाते हैं ना हम लोग, तो चेन ऐसे में बदल जाता है, इसको राइट हैंडेड कहेंगे सर। ये आपको क्या सर, आपको एंटी क्लॉक वाइज होता है ना कोई चीज, इसको राइट हैंडेड कहते हैं जी, ठीक है, गौर कीजिए, ऐसे चलेगा तो ये आपको एंटी क्लॉक हो रहा होगा, जैसे आप लोग ऐसे घड़ी घुमाइए तो एंटी क्लॉक हो जाएगा ना, और ऐसे लाते थे ना क्लॉक वाइज कहते हैं जी, तो हाँ ऊपर से लेके आते तब ना जी, ऐसे लाते तब क्लॉक वाइज होता, हाँ ऐसे करके, है ना, देखना होगा, ठीक है, समझना होगा, है ना, ये ऐसे जब लाते थे ये क्लॉक वाइज है, ठीक है, तो ये क्लॉक वाइज नहीं, ऊपर से देख रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, शुरुआत, हाँ चलो यहीं से शुरुआत होता है, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड है तो यहीं से ना शुरुआत होगा, ये राइट हैंडेड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स क्या कहते हैं, राइट हैंडेड होता है सर, समझ में आ रहा है, अल्फा हेलिक्स क्या देखते हैं हम लोग, राइट हैंडेड फॉर्म में देखते हैं जी, ठीक है। ये उस जमाने में बहुत नया बात था जी, 1940-45 के दौर का ये बात है जी, ठीक है, 1940-45 में लीनस पॉलिंग नाम के व्यक्ति ने अल्फा हेलिक्स का खोज किया था जी, ठीक है, राइट हैंडेड होता है सर आपको अल्फा हेलिक्स, इसी से डीएनए का खोज हुआ था जी, मतलब डीएनए कैसा दिखता है उसका पता अल्फा हेलिक्स प्रोटीन से ही लगा था जी। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मार्केट में नया चीज था, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो होता है सर ये स्टेबल है, अल्फा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रोटीन ये स्टेबल होता है सर, स्टेबल, स्टेबल किस वजह से होता है ना, ये स्टेबल होता है सर आपको, है ना, अल्फा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो देखते हैं स्टेबल होता है ना जी, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड की मदद से सर क्या होता है ये आपको स्टेबल होता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको राइट हैंडेड प्रोटीन जो देखते हैं सर, ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही सर, वीक वंडरवाल फोर्स भी होता है जी, ठीक है, ऑल्सो शो वीक वंडरवाल फोर्स, है ना जी, वीक ये सब पढ़िया केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, वंडरवाल है ना, वंडरवाल फोर्स, है ना जी, हमको भी नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, बस याद देखिएगा, वीक वंडरवाल फोर्स भी इसमें पाया जाता है, गैस के फॉर्म में जो रखता है, मतलब जब आप इसको देखिएगा तो रुई जैसे देखते हैं, है ना जी, कॉटन देखते हैं ना, तो वैसा ही कुछ ये भी होता है ना, एक हल्का सा आपको, है ना, आपको हेलिक्स के फॉर्म में ये दिखाई देता है, हम लोग का हेयर भी जो देखोगे ना ऐसे ही दिखाई देता है ना जी, हेयर का जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा, है ना, बाल को, तो बाल भी हम लोग का कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा जी, ठीक है, और उसी तरह से हम लोग, है ना, ये क्या बोले थे, नाखून को भी देखिएगा, हालांकि नाखून बहुत ज्यादा डिपोजिटेड होता है,
मोटा होता है, केराटिन प्रोटीन एक्सेस जमा हो जाता है एपेक्स के पॉइंट पे, तो वो थोड़ा सा आपको क्या आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, देखिए अल्फा हेलिक्स प्रोटीन शुरुआत में जिंदा रहता है और जब इसको काम आना होता है ना तो मर जाता है। ठीक है, जैसे अब जो बाल जहां से ग्रो कर रहा होगा वो जगह जिंदा होगा सर, लेकिन जैसे आपको आगे बढ़ता है सर मैच्योर करने के दौरान ये मर जाता है। जैसे जाइलम फ्लेम पढ़िएगा ना आप, जाइलम फ्लेम शुरू में तो जिंदा रहता है, बाद में उसका सेल सब डैमेज होकर मर जाता है। वैसे बात यहाँ पे भी है कि सर केराटिन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो सेल के अंदर बनता है, पर जब सेल से बाहर निकलता है सर ये मर जाता है सर। मर जाता है तो कोई डिमांड वमांड नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है, पीछे से नया नया केराटिन प्रोटीन आता आ जाता है, आगे का प्रोटीन आगे भागता रहता है। कभी आप देखते हैं नाखून में, कभी आप लोग मार्क बना लीजिए जबरदस्ती, कभी कभी आप छोटा सा ब्लेड से मार्क बना लीजिएगा तो देखिए आगे भागता जाएगा। ठीक है, जो फील कराता है कि सर पीछे से नया केराटिन प्रोटीन आता है और पुराना केराटिन प्रोटीन आगे की ओर खसकता जाता है जी। कभी भी केराटिन प्रोटीन ग्रो नहीं करता है जी। ठीक है, उसके पीछे से नया केराटिन प्रोटीन आता है ना, डिपोजिशन होता है ना, उससे ये आगे बढ़ता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, टाइम देखते रहना जी। ठीक है, हेलो, यस सर, है ना। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है ना जी, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो देख रहे थे इसमें इतना ही बात है जी, डॉक्टर लिनस पॉलिंग नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था जी। अब नाउ इमेजिन करो हम इसको बहुत ज्यादा टाइम दे सर, एक्सेस टेंशन कर दें, मतलब अपना लिमिट पे दे दीजिए। ठीक है, मान लो कोई लड़का को हम कहे कि ये ऐसे कपड़ा है सर, ठीक है, तो ऐसे कपड़ा है तो सर आपको 13 मिनट लिखा है, लेकिन हम इसको टान देने के लिए पूरा ऐसे टान देगा तो सर क्या एकदम चपटा बन जाएगा जी, शीट के जैसा ये बन जाता है जी। ठीक है, कहता है कि जब बहुत ज्यादा ही एक्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंशन हो जाए सर, तनाव इतना ज्यादा हो जाए सर कि सर ये चपटा एकदम सीधा लाइनिंग जैसा बन जाए, मतलब शीट के फॉर्म में ऐसा कुछ है ना जी। करा तनाव कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिए है ना, टेंशन इस तरह से बढ़ा दीजिए कि सर ये आपको शीट के जैसा दिखाई दे। जैसे आप कभी घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार देखिएगा ना तो देखा है कपड़ा का जो फोटो दिखाई देगा ना जी, कभी आप टीवी पे देखिए कोई कपड़ा खराब हो, कपड़ा में मैल लगा हो तो उसमें धागा धागा ऐसे जैसे टाइप का दिखाता है जी। ठीक है, ऐसी कोना में कहीं पे गंदगी रहता है जी। एक्चुअली में धागा का लाइनिंग ये है, ये है दूसरा प्रोटीन, ये तीसरा प्रोटीन है, इस सबको हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा गया। इस सब कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सीधा हो गया सर, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव लग रहा है जी। तुम लोग खुद देखो ना, आप लोग रस्सी को ऐसे छोड़ दो तो टेढ़ा मेरा रहेगा, लेकिन एक लड़का इधर पकड़ के खींचे, एक लड़का उधर पकड़ के खींचे, रस्सी एकदम सीधा हो जाता है। तो वही बात है कि मैक्सिमम टेंशन बिटवीन टू प्रोटीन ऑफ है ना, लिखा आपको अल्फा हेलिक्स के दो प्रोटीन में जब ज्यादा तनाव आ जाता है सर, तो ये क्या बनाता है, एक शीट बना देता है, एक चपटा सा कागज जैसा बन जाता है सर। इस कागज नुमा शीट को हम लोग क्या नाम देते हैं, बीटा प्लेटेड शीट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, आपको सिल्क फाइबर होगा। सिल्क फाइबर आप लोग जानते हैं ना क्या होता है ना, जो भी कपड़ा जो हम लोग देखते हैं कॉटन, आपको जो देखते हैं सर हम लोग है ना, जो हम लोग का जो फाइबर कपड़ा जो तैयार होता है मैक्सिमम कपड़ा में सर क्या होता है, सिल्क फाइबर, तो मतलब नहीं कहते कॉटन का कपड़ा है जी। ठीक है, कॉटन मतलब क्या, उसमें सेलुलोज तो है ही सर, सेलुलोज के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रोटीन भी है सर। ये प्रोटीन क्या करता है, उसको हाइली इफेक्टिव बनाता है जी। ठीक है, सिल्क फाइबर भी है ना जी, और आपको इसमें क्या आता है सर, आपको है ना कॉटन वगैरह भी आता है ना, कॉटन है ना, आपको फैब्रिक है ना, फैब्रिक सब भी इसके अंदर में एग्जाम्पल सब आता है जी। ठीक है, इसमें एक्सेस टेंशन बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड है ना जी, यहाँ पे खाली एक पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम टेंशन इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या आता है, एक्सेस टेंशन होता है सर। ये एक्सेस टेंशन क्या कहलाता है सर, आपको बीटा प्लेटेड शीट के तौर पर हम इसको देखते हैं जी। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट भी आप लोगों को समझा दी होगी जी, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए था हम लोगों को, और हमने कह दिया था कि ये दोनों का खोज, हालांकि खोज अल्फा हेलिक्स के लिए ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, अल्फा हेलिक्स का खोज डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने किया था जी, और डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने इसको बताया था। इसको रीडिंग दे देते हैं एक बार जल्दी से, आप बीटा प्लेटेड पे जाइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर टेक्स द पोजिशन ऑफ अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, सही है, बाई मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बट एक्चुअली में तुम हाइड्रोजन बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल जाता है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में जी। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, ये लाइन खुद से पढ़िए, डॉक्टर लिनस पॉलिंग जो है उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का खोज किया था, और केराटिन प्रोटीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, और सिल्क फाइबर जो होता है धागा, रेशम का जो धागा होता है ये बीटा प्लेटेड का बेस्ट एग्जांपल है। पता नहीं क्यों हो रहा है आज वही से ऐसा हो रहा है ना, सुबह ही वाला बेस्ट ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। एयरफोन लगा लो ना जी, ठीक है एयरफोन लगा लो आज के लिए, अब पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, लगता है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, अब उसी को चेक करना है, क्योंकि हम ब्लूटूथ बदल लिए हैं पर उससे भी नहीं फर्क पड़ रहा है, तो मोबाइल में कुछ गड़बड़ी होगा या नेट में, क्या नेट में भी हो सकता है।
तुम लोग का अभी आवाज उधर से जा रहा है ना, बहुत कम आ रहा है। लगता तो वही है, देखना पड़ेगा, पापा वाला मोबाइल आता है ना, चेक करते हैं। चले आगे बोले, रोक दे, बोलिए सर, बोले। अब आइए टर्शियरी स्ट्रक्चर, सबसे वीवीआई क्लास आ गया है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखिए आप यहाँ से स्टेटमेंट बदल जाएगा कि जितना भी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है वो लिविंग होता है सर, ऑल टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आर लिविंग इन नेचर। जितने भी नेचर में टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन देखते हैं वो सबके सब क्या आते हैं, है ना, लिविंग होते हैं जी। ठीक है, इस बात को याद रखना होगा आप लोगों को, और हम आपको आप टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ाने चले जी। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, है ना जी, नया टॉपिक आ गया टर्शियरी, एक मिनट, है ना, टर्शियरी प्रोटीन, है ना जी, टर्शियरी प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी को हम लोग 3D प्रोटीन भी कह सकते हैं। 3D प्रोटीन, जितने भी 3D प्रोटीन का हम नाम लेंगे ना जी, ऑल 3D प्रोटीन आर लिविंग। 3D प्रोटीन जो देखते हैं ये क्या होता है सर, आपको आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ऑल 3D प्रोटीन जो देखते हैं ये ऑल 3D प्रोटीन आर, है ना जी, आपको आर शो आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड है ना जी, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, और डाइसल्फाइड ब्रिज इसको हम लोग डाइसल्फाइड कहते हैं। सबसे बड़ा खासियत है जी किसी भी प्रोटीन को जिंदा करने के लिए, है ना जी, डाइसल्फाइड ब्रिज है ना, गिव 3D स्ट्रक्चर, ये आपको क्या देता है सर, आपको गिव 3D स्ट्रक्चर। लेकिन जब 12th की एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, और 12th की एनसीआरटी बुक में केमिस्ट्री में पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आयनिक बॉन्ड भी दिखाई देता है। अब आज चला गया सर, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही डाइपोल मोमेंट जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन ऑल्सो फाउंड, है ना जी, ऑल्सो फाउंड ऑल्सो प्रेजेंट इन 3D, है ना, 3D प्रोटीन। 3D प्रोटीन में नया बात क्या सुन रहे, डाइसल्फाइड ब्रिज और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटीन, है ना जी। रिसर्च करोगे ना तो जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हो, पर आप लोग याद रखिएगा 3D प्रोटीन में ये दोनों होता है जी। ठीक है, इससे किसी 3D प्रोटीन में हो सकता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं हो। तुम लोग कहोगे सर बोलना क्या चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को, कि भाई कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें मेटल पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन में मेटल नहीं पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिसमें मेटल होगा और कुछ एंजाइम मेटल नहीं होगा जी। देखो जैसे मान लो ये आपको कोई प्रोटीन है, हम तुमको कह रहे हैं भाई ये प्रोटीन जो देख रहे हैं 3D प्रोटीन है, जैसे इसके मतलब कहीं ना कहीं पे डाइसल्फाइड होगा ही होगा, लेकिन सर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तभी होगा जब इसमें मैग्नीशियम आयन होगा जी, मतलब ये मेटल हुआ ना, मेटल के साथ जुड़ेगा बॉन्ड, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से लाते हैं। संधारा जी क्या बोलना चाह रहे हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यानी तो क्या होगा तो आपको आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के तौर पर देखते हैं जी। छोड़ो अभी इसको, 3D प्रोटीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है जी। ठीक है, 3D प्रोटीन का एग्जांपल सुनिए पहले आप, है ना जी, पहले 3D प्रोटीन का एग्जांपल, तब ये बनता कैसे वो भी बताएंगे। 3D प्रोटीन का एग्जांपल है ऑल एंजाइम, जितना भी एंजाइम है सब के सब 3D होगा, मतलब आज के बाद कोई भी एंजाइम का नाम लोगी वो 3D होगा ही होगा सर, डेफिनेटली। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है मसल्स प्रोटीन, मांस में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी इसका एग्जांपल होगा, है ना जी। मांस में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, हाथ को फैलाने और सिकुड़ने में एक मदद करता है प्रोटीन, जिसका नाम क्या आपको एक्टिन मायोसिन नाम का प्रोटीन जो देखते हैं, ये दोनों प्रोटीन कहाँ होता है सर, आपको मसल्स में पाया जाता है। कुछ भी बोल दो ना, कुछ भी, खाली तुम ध्यान रखना केराटिन प्रोटीन नहीं बोलना है और सिल्क फाइबर नहीं बोलना है। सिल्क फाइबर केराटिन प्रोटीन को छोड़ दो, और एंटीबॉडी वाला एग्जांपल और हीमोग्लोबिन का एग्जांपल छोड़ दिया जाए तो बच गया जो भी अजीब अजीब नाम सब आएगा सर, वो सब नाम सब क्या आ जाएगा सर आपको, है ना, आपको 3D प्रोटीन के अंदर में गिना जाएगा जी। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम जो दिए हैं आपको नोट्स में वो है सर आपको मायोग्लोबिन, है जी, मायोग्लोबिन तुमको यहीं पे सुनना है जी, मायोग्लोबिन आगे शायद गायब हो जाएगा, या मायोग्लोबिन तुमको ना मसल्स चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर 20 जो होगा उसमें देखने को मिलेगा मायोग्लोबिन। और उसके बाद तीसरा आपको एग्जांपल हो जाएगा सर, ठीक है, मतलब मायोग्लोबिन है, और एक एग्जांपल आपको आ जाएगा मायोग्लोबिन के बाद, है ना जी, दूसरा मायोग्लोबिन एग्जांपल, एक कोलाजन प्रोटीन भी एग्जांपल, मतलब जो भी सर जो भी बोल दीजिए आप, सबका सब क्या आ जाएगा, है ना जी, आपको 3D प्रोटीन हो जाएगा जी।
हम लोगों को चर्चा करना है मायोग्लोबिन प्रोटीन पे। देखिए मसल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो एक्सेस ऑक्सीजन को जमा करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन के बारे में हम बताते हैं, फाउंड इन मसल्स, फाउंड इन इसको लिखिए या नोट्स में देखिए कहीं पे लिखा होगा, फाउंड इन एरोबिक मसल्स। ये एरोबिक मसल्स में पाए जाते हैं, है ना जी, फाउंड इन एरोबिक मसल्स विच कंटेन व्हाट, आयरन, Fe2+ इन लिखा आपको। Fe2+ को हम लोग क्या कहते हैं जी, फेरस कहते हैं ना यार, फेरस यही था, हाँ फेरस था, है ना। Fe2+ फाउंड इन एरोबिक मसल्स, जैसे मसल जिसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं सर, वहां पाया जाता है मायोग्लोबिन। और मांस का कलर लाल क्यों होता है, कोई भी जानवर का मांस देखिएगा रेड क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। ये पूछेगा, आप लोग कभी पूछते होंगे या आपको कोई पूछ देगा कि खून का कलर रेड क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मांस लाल क्यों होता है सर, ये मत कहना खून से रंगा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। मांस रेड इसलिए पाया जाता है क्योंकि सर मांस में है ना मायोग्लोबिन पाया जाता है सर। मायोग्लोबिन भी वही काम करता है जो हीमोग्लोबिन करता है, बस फर्क इतना है कि हीमोग्लोबिन 4D है, मायोग्लोबिन 3D है, यही अंतर पढ़ना है हम लोगों को जी। मायोग्लोबिन पहले दिमाग में घुसना चाहिए, मायोग्लोबिन एक 3D प्रोटीन है। मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, एरोबिक मसल्स, नहीं समझते एरोबिक मसल्स, हड्डी से जुड़े हुए जितने भी मांस है सबके सब एरोबिक मसल्स है, है ना, आपका बाइसेप ट्राइसेप ये सब क्या है, एरोबिक मसल्स में गिनती होता है जी। मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है इसके अंदर में आयरन पाया जाता है जी। आयरन का इंग्लिश में बोलोगी तो फेरस, Fe2+, आयरन इन लिखा आपको, एरोबिक मसल्स विच कंटेन आयरन इन इट्स अ स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में क्या पाता है सर, ये आयरन पाता है सर, ठीक है जी। ये आयरन उसको क्या करता है सर, एक ऑक्सीजन को बॉन्ड बना के रखता है सर। जैसे तुम लोग कभी कहते ना कि जरूरत से ज्यादा सांस ले लो, है ना, ऊंचाई वाले इलाके में गए और ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा खींच ली, तो तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन फेंक नहीं देगा, उस ऑक्सीजन को जमा करके रखेगा। और ऑक्सीजन को कहाँ जमा करके रखता है, मांस में जमा के रखता है, ठीक है। कि आपको कभी भविष्य में सांस लेने में दिक्कत होगा तो आपके मसल्स में जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्सीजन यूज में आएगा जी, ठीक है। माने हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो और हैवी एक्सरसाइज में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और सर सांस लेने के लिए इजाजत नहीं दिया गया, बहुत कम सांस खींचना है और खूब पुशअप करना है जी, ठीक है। तो उस टाइम में तुम्हारे शरीर में कौन ऑक्सीजन यानी कौन एनर्जी देता है या कौन ऑक्सीजन देता है, मायोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन आता है वो निकलना शुरू हो जाता है जी। एक पिक्चर बना के समझाते हैं हम आपको, जैसे कोई ये बंदा है, यहाँ पर उसका मसल्स है जी, ठीक है, ये आपको क्या हो गया मसल सेल। अब मसल सेल में आपको क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है सर, इसका नाम क्या दे रहे हम लोग, मायोग्लोबिन बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बोल रहे हैं, पहला तो डाउट यही दूर करो। मायो माने मसल्स होता है, मसल्स में पाया जाने वाला ग्लोबिन है ना जी। टाइम है ना, देखते रहो ना, ये नहीं कि हम पढ़ाते चल जाए। हेलो, यस सर, यस सर, अच्छा ठीक है। तो मायोग्लोबिन देख रहे हैं, मायोग्लोबिन में क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन पाया जाता है सर, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो देखते हैं ये आपको मायोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना करके रहता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप जब हैवी एक्सरसाइज सब करते हैं, कुछ पुशअप वगैरह करते हैं, या आप ऐसा भारी भारी काम करते हैं जिसमें सांस लेने का भी टाइम नहीं है जी, ठीक है, तब यहाँ पर का जो सेल सब होगा, इसमें जितना भी सेल होगा इसको ऑक्सीजन चाहिए सर, तभी एनर्जी दे पाएगा सर। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके सबको मिलता है, उस सेल को भी मिलता है जिस सेल को काम हो रहा है, मतलब इसमें भी ऑक्सीजन मिलेगा और आसपास के सेल को भी सर क्या होगा, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको मायोग्लोबिन नहीं मिला है। तो मायोग्लोबिन जो देखते हैं सर, ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या करता है सर, आपको ऑक्सीजन के आपको वजह से आपको यहाँ पे दिखाई देता है सर। ऑक्सीजन जो देखते हैं सर, ये ऑक्सीजन के आपको कारण यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, जानो बैठो ना अंदर, तो मायोग्लोबिन जो देखते हैं, ठीक है जी, तो ये जो आपको है ऑक्सीजन, समझा दिया क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन के वजह से सर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने में ये मदद करता है जी, ठीक है। ये पॉइंट याद हो गया सब आदमी को। दूसरा पॉइंट क्या है सर हम लोग के लिए, दूसरा पॉइंट ये है सर, मायोग्लोबिन के बाद है ना जी हम लोग क्या देखने वाले हैं, है ना जी, मायोग्लोबिन समझा दिए, एक पॉइंट मिटाते इसको हम, तुम समझ रहे मायोग्लोबिन क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ बताए सर एक बार, हाँ बोलो बोलो, डाइसल्फाइड ब्रिज कहाँ बताए थे, फिर से बोलो, डाइसल्फाइड ब्रिज बोले थे ना, हाँ डाइसल्फाइड बताते हैं, प्रोटीन यहाँ बताएंगे, बना अभी खत्म नहीं हुआ टर्शियरी प्रोटीन, तुमको मायोग्लोबिन समझाए, तुम मायोग्लोबिन पे बोलो कोई डाउट है तो। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 3D प्रोटीन में गिनती होता है, आयरन पाया जाता है सर इसमें, ये आपको ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है, लाल हो जाता है सर ये, मान लो ये मसल्स है ना, ये मसल्स का सेल है,
सेल ऑफ मसल्स है ना जी, इसके अंदर में क्या पाया जाता है सर आपको, है ना, मायोग्लोबिन। ये क्या है सर आपको, मायोग्लोबिन है, ये भी सही है। अब मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, ये भी तुम सही देख रहे हैं। आप ज्यादा सांस खींचेगा ना तो ये ऑक्सीजन यहीं पे आके चिपक जाता है सर, ठीक है। आपके शरीर में एक्सेस ऑक्सीजन आ गया तो शरीर फेंकता नहीं है, मायोग्लोबिन के पास भेज देता है सर। ये मायोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के साथ ये क्या जाता है, O2 हो जाता है जी। मायोग्लोबिन बनाता कौन है भाई, आरईआर बनाता है जी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना करके आसपास के सेल को देता रहता है जी, खुद भी रखता है तो खुद मतलब आसपास के सेल से ले लेता है जी, ठीक है। ये मायोग्लोबिन प्रोटीन जो देखते हैं सर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जैसे संपर्क में आता है ये पूरा इलाका यहाँ पर का रेड हो जाएगा, मतलब तुम यहाँ से देखिएगा नजारा को, ये क्या हो जाएगा सर, रेड हो जाएगा, ये ना क्लियर हो रहा है जब क्या चाहे। अगर मायोग्लोबिन यहाँ तो ये भी रेड हो जाएगा, सरफेस सब तरफ से मायोग्लोबिन है तो सब तरफ से रेड दिखाई देगा, पूरा मांस ही लाल दिखाई देने लगेगा जी। समझा राजन क्या बोलना चाहे, एक वो पीस थोड़े मायोग्लोबिन का है, लाखों लाख मायोग्लोबिन का पीस है। असर लाखों लाख मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के संपर्क में आता ही लाल हो जाता है सर, ठीक है जी। जैसे आप देसी मुर्गी सब देखिएगा वो ज्यादा काम करता है, देसी मुर्गी सब में देखिएगा उसको जब काटिएगा ना तो उसमें लाल मांस ज्यादा मिलेगा है ना जी। और वही जगह पे जो व्हाइट कलर की जो मुर्गी होती है सिर्फ बैठी रहती है एक जगह पे, देखना वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, पिंजरा में बैठ करके रहती है, पोल्ट्री फार्म में भी ज्यादा घूम फिर नहीं करती है वो, तो उसके शरीर में सर मायोग्लोबिन कम होता है क्योंकि उसको ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ा नहीं, ज्यादा आपको लाइफ जिया नहीं। मिनट बचा सर, एक मिनट रह गया, तीन मिनट एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए तुम। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, पूरा क्लियर आवाज है। तो हम बोले थे कि आपको मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा दिए हम आपको। आप देखो एक इमेजिनेशन करो कि हम आपको एक दिन क्लास में बताए थे कि एक प्रो ये होता है प्रोलीन होता है, प्रोलीन। अब प्रोलीन क्या होता है आपको, है ना, ये हेलिक्स ब्रेकर होता है, हेलिक्स ब्रेकर, याद आ रहा है। और इसी का एक और भाई बहन है जी, ठीक है, आपको हाइड्रोक्सी प्रोलीन है ना, हाइड्रोक्सी है ना प्रोलीन है, एमाइनो एसिड का नाम है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये भी सर हेलिक्स ब्रेकर है जी। उदिन हमसे छूट रहा था ना, उसका नाम है ग्लाइसिन, सेरीन और अर्जी नाइन, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल है जो किसमें आता है सर आपको, है ना, हेलिक्स ब्रेकर में आता है। लिख लीजिए इसको, कॉम्पिटिशन की नजर से VBI है, किसी साल पूछ देगा तो अजीब लगेगा क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कहीं पूछ दे तो, नहीं तो आपको नहीं समझा पाएंगे तो छोड़ देना, ठीक है। हम हेलिक्स ब्रेकर की बात कर रहे हैं जो हेलिक्स को नहीं बनने देना चाहता है जी, ठीक है। अब उदिन मोनिट का क्वेश्चन था कि भाई ये हेलिक्स ब्रेकर का इस्तेमाल करके हम प्रोटीन बना सकते हैं, ये तुम बना सकते हो लेकिन सेल में पाया जाए गारंटी नहीं है, है ना जी। आपको कोई लड़का नहीं हुआ कि जिद है मेरा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन बनाएंगे, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन लैब में तैयार कर सकते हो बट सेल में नहीं, सेल में ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो तुमको प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिखाई दे, बहुत सारा इफ एंड बट है। इतना अमाइनो एसिड को लेकर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा सीधा चेन वाला प्रोटीन बन जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रोटीन सेल में नहीं बना है, ठीक है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे क्या, मान लीजिए है ना जी, एक अल्फा हेलिक्स चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ सर, वही प्रोलीन घुस गया है ना जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन सर यहाँ पे जो होना चाहिए था ना ये प्रोलीन आ गया, तो प्रोलीन आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा ना, यहाँ तक सीधा हो गया। अब मान लो इसके अगला वाला में जो आ गया सर आपको क्या, फिर से प्रोलीन आ गया, सीधा हो गया यहाँ तक, अब फिर आगे जाकर सर क्या हो गया, सीधा हो गया जी, ठीक है। मान लेते ऐसे करके सीधा ही, मतलब जगह नहीं हमें घुमा दिए, क्लोराजी नित्यानंद क्या बताना चाह रहे हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन घुमाता है जी, कहीं पे मान ले फंस गया मामला, कहीं पे क्या हुआ कि सर प्रोलीन घुस गया बीच में, तो ये लाइन सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है। फिर आगे कहीं नहीं मिला तो फिर घूम जाएगा, फिर मिल गया आगे तो फिर आगे जाके सीधा हो सकता है, वट एवर हो सकता है सर, ठीक है। मतलब कोई प्रोटीन को हम लोग घुमा दे अपने मर्जी से तो उसके लिए हेलिक्स ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। हेलिक्स ब्रेकर ये सब है ना, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है ना, उसके बाद ग्लाइसिन, सेरीन है ना, और अर्जिनाइन, ये आपको ऐसे अमाइनो एसिड है जो है ना सर आपको हेलिक्स को नहीं बनने देता, वट एवर। एक तो लॉजिक बता दिए थे हम आपको, ये सब का लॉजिक हमको नहीं देना है, आप लोग समझ जाइए कि ये सब भी क्या है, हेलिक्स ब्रेकर है जी, ठीक है। और हेलिक्स ब्रेकर जो देखते हैं सर,
वो अल्फा हेलिक्स को बनने नहीं देगा, उसको सीधा ले जाएगा सर। और जब ये सीधा ले जाएगा सर, मान लेते हैं सर यहाँ पे सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड था, और सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड में याद कीजिए आप लोग, है ना जी, सिस्टीन देखो इस जगह हम ऐसे जानबूझ के हम सीधा देखो ना, हम सीधे लिख देते हैं, चलो ये सीधा ही जा रहा था, यहाँ पे सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड था, सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड सल्फर रहता जी, याद आ रहा है SH, और एक जगह पे मान लेते फिर से सिस्टीन आ गया, व्हाटएवर मिथ्योनिन आ गया सर, मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड उसमें भी सल्फर देखते हैं, ये सल्फर है, ये सल्फर देखो सल्फर का वैलेंसी 6 होता है सर, यहाँ पे तुम क्या देख रहा है, द्विये बॉन्ड बना है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है, और चार इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है जी, ठीक है, ये एक दूसरे को खींच लेगा अपने तरफ, और खींचेगा तो देखो ये पूरा ऐसे बॉन्ड बन गया, दिमाग लगा रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो ये पूरा ना अपने तरफ खींच लेगा जी, मुड़ नहीं लेगा अपने तरफ, कि सब भाई तुम सीधा क्यों जा रहे हो, हमने तो मुड़ जाओ, है ना जी, अब मुड़ेगा, इमेजिनेशन करो कि एक धागा ऐसे जा रहा था जी, ठीक है, एक कपड़ा ऐसे जा रहा था, मान लीजिए 6 देर के लिए हम इसको घुमा देते हैं, ठीक है, ये आपको क्या इतना दूर घुमा हुआ है सर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक घुमा हुआ है, इतना दूर तो जहां तक पकड़े वहां तक घुमा हुआ है, अब इसका धागा ऐसे जा रहा है सर, अब इस जगह पे सल्फर सल्फर आ गया, पेन को मान लो सल्फर, एक यहाँ पे सल्फर आ गया, इसको घींच के नहीं मोड़ लेगा, अब मोड़ लेगा तो सर धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, गेंद जैसा नहीं बन जाएगा जी, ठीक है, एक से ज्यादा सल्फर ब्रिज बना देंगे तो इससे 3D स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, पहले क्या था सीधा धागा था जी, सीधा धागा था, उसके बाद उसमें सल्फर देख रहे थे हम लोग, बीच में कहीं कहीं पे सल्फर आ गया, एक सल्फर यहाँ आया और दूसरा सल्फर यहाँ आया सर, ठीक है, जब सल्फर आएगा तो घुमाना शुरू कर देगा, ये सल्फर यहाँ वाला सल्फर इसको खींच लेगा ना जी, समझ रहा था जी, हेलो, यस सर, हाँ बहुत इजी बात है, बस देखो ना जो सीधा लाइन में जा रहा था 2D था, अब उसको 3D में मोड़ देंगे, क्योंकि मोटाई बढ़ गया ना, क्योंकि एक ही धागा को तुम ऐसे लपेट दो तो कुछ तो मोटाई बढ़ा, कुछ तो मोटाई बढ़ा, ऐसे करते करते सर एक गेंद बन जाएगा, गेंद बनना इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर, है ना, 3D स्ट्रक्चर तो ही हमको बनाना था, ठीक है, समझे ना, तो 3D स्ट्रक्चर बनाने में कौन मदद करता है, डाइसल्फाइड भी बन सकता है, लेकिन तुमने एक और गहराई से देखा ना, तो सर 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेलिक्स ब्रेकर भी चाहिए, अगर हेलिक्स ब्रेकर नहीं होगा तो ओवरऑल पिक्चर ऐसा हो जाएगा सर, है ना जी, ओवरऑल पिक्चर, अब यहाँ का एस यहाँ का एस से जुड़े तो कौन बड़का बात हुआ, तब 3D थोड़े होगा, 3D तब होगा जब एक धागा को फिर से मोड़ दिए अपने तरफ, है ना जी, ये धागा आगे जाके कैसा हो जाएगा सर, ऐसे मुड़ गया, अब फिर ऐसे घूम रहा है, तब एक लाइन पे दो गो आ गया ना, अब दो गो आ गया तो मोटाई जरा बढ़ जाएगा ना, क्या जा रहा जी, दो कागज को एक साथ चिपका दो तो कुछ तो मोटाई बढ़ा, तीन कागज चिपका दो, चार पांच चिपका दो, ऐसे करके जब मोटाई बढ़ते जाएगा तो 3D स्ट्रक्चर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हम समझा दिए आपको, डाइसल्फाइड ब्रिज और हेलिक्स ब्रेकर एमाइनो एसिड दोनों मिल करके 3D स्ट्रक्चर बनाता है, पर ये बात MSc लेवल पे कहा जाए या BSc लेवल पे कहा जाए या मेडिकल के लेवल पे कहा जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको रखना पड़ेगा कि डाइसल्फाइड ब्रिज, NCERT 11th पढ़ रहे हो तो उसके अंदर में सिर्फ डाइसल्फाइड ब्रिज को प्रायोरिटी दिया गया है, बट आज आप लोग समझ गए डाइसल्फाइड ब्रिज भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, और साथ साथ क्या सर आपको हेलिक्स ब्रेकर भी है, ये तीन खासियत देख रहे हैं किसका, आपको टर्शियरी प्रोटीन का, हो गया पढ़ा दिए, पूछो कुछ पूछना तो देखे, तो एक बार रीडिंग मार रहे हैं यहाँ से, है ना, व्हेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दिस इज मेनी बॉन्ड सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ही सर, ये सब 3D बॉन्ड में बदल देगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन द टू सल्फर, दो सल्फर बनता है, आप लोग याद कीजिए सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड और मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड मिलके क्या बनाता है, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है, मायोग्लोबिन है ना, रेड कलर इन मसल्स है ना जी, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन ऑफ मसल्स स्टोर द लिखा आपको रिजर्व O2, ये ऑक्सीजन को जमा करने में काम आता है जी, ठीक है, आप इस पिक्चर में देखिए कहां तक हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, कहां पे डाइस, यहां तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे डाइसल्फाइड आया तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तुम लोग को मन में ऐसा एग्जांपल दे दीजिए, हम रख लेंगे, तो फाइबरस प्रोटीन लाइक कोलाजन प्रोटीन और मसल्स में प्रोटीन होता है, हड्डी में जो प्रोटीन होता है, जो भी प्रोटीन होता है तो सब के सब क्या आता है सर आपको, है ना जी, आपको टर्शियरी में आता है जी, अब बहुत छोटा टॉपिक है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, कोई भारी टॉपिक नहीं है, जब दो 3D प्रोटीन एक साथ आ जाता था उसको हम लोग 4D कहते हैं जी, जब दो 3D दो उलेन बॉल को एक साथ रख दोगी तो उसको हम लोग 3D प्रोटीन, जो 3D प्रोटीन एक साथ हो जाए तो उसको क्वार्टरनरी या 4D कहते हैं, अपने समझने के लिए हम लोग उसको 3D मान के पढ़ लेते हैं, पर एक्चुअली में वो 4D प्रोटीन हो जाता है जी, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, मोर देन टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी प्रोटीन, मोर देन टू टर्शियरी प्रोटीन कंबाइन करता है देन फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये क्या बना देता है आपको, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना के दे देता है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था ये, मान ले सर ये एक 3D प्रोटीन है, फिर ये दूसरा 3D प्रोटीन है सर, दोनों जुड़ गया ना,
दोनों जुड़ गया सर, इसका मतलब ये क्वार्टरनरी हो गया, बहुत ईजी था जी। आप मान लीजिए दो मायोग्लोबिन को चिपका दिए, चिपकना चाहिए ना कि फिजिकल चिपकना, मतलब कोई बॉन्ड बना के चिपकना चाहिए। जब दो 3D प्रोटीन चिपक जाता है तो उस प्रोटीन को हम लोग 4D कहते हैं, 4D है ना जी। व्हेन टू और मोर देन है ना, आपको लिखा टू टर्शियरी प्रोटीन कंबाइन देन फॉर्म है ना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या बनता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, क्रिस क्रॉस बॉन्ड होता है जी, ठीक है, क्रिस क्रॉस बॉन्ड होता है जी, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं सर आपको, है ना, इसमें भी डाइसल्फाइड होता है विथ अदर के साथ, अपने अपने में हुआ तो टर्शियरी, जैसे अभी हम एक ही धागा दिए थे ना, एक ही प्रोटीन का धागा था, तो इसमें आपको बन रहा था सर जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना जी, आपको टर्शियरी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ये जा रहा है सर, एक ये जा रहा है सर, इसका सल्फर बॉन्ड बना लेते, इसको कहेंगे क्वार्टरनरी। समझ में आ रहा है जी क्या होना चाहें, ये क्रिस क्रॉस बॉन्ड कहलाता है, इसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं, एक का दूसरे के साथ बॉन्ड बनना जी, ठीक है। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ही बहुत बड़ा बात हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है ना, बट किसके बीच में, टू डिफरेंट टर्शियरी प्रोटीन के बीच में, है ना जी। ये अपने में दोनों कहेगा सर हम नहीं समझ रहे आपकी बात को, देखो ये भी अपने में, देखो ये है अपने में डाइसल्फाइड, इसको तुम टर्शियरी बोला है ना जी, लेकिन जब यही दूसरे के साथ कर लिया तब ये हो गया ओवरऑल क्वार्टरनरी हो जाएगा। समझ में आ रहा जी, आप क्वार्टरनरी कैसे समझोगी, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन है ना, बिटवीन टू डिफरेंट टर्शियरी प्रोटीन, दो अलग अलग टर्शियरी प्रोटीन के बीच में जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है इसको क्या नाम देते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के नाम से रहते हैं। अभी तुमको लगा सर बाउंसर मार दिए, पर एक्चुअली में जब तुम लोग एंटीबॉडी का फोटो देखा ना, 12th के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ एंटीबॉडी का फोटोग्राफ, तो उसमें ऐसे करके फोटोग्राफ दिया हुआ एंटीबॉडी का जी, ठीक है, इस तरह से एंटीबॉडी का फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसके बीच में सल्फर बॉन्ड बना है, ये अलग प्रोटीन है, इसमें अपने में सल्फाइड बॉन्ड होता है जी, ठीक है। लेकिन सर ये ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके होगा यहाँ, ठीक है, एंटीबॉडी देखिएगा ना ऐसे कुछ रहता है, देखिएगा 12th का एनसीईआरटी अगर आसपास है ना, तो किताब बंद करके पिछला पेज में देखो, सबसे पिछला पेज में किताब बंद कर दो, सबसे पीछे में देखना एक यहाँ पे नहीं, जो नहीं कहता कवर पेज होता है, तो कवर पेज को जो देखिएगा तो सर एक कोना में आपको दिखाई देगा जी, ठीक है, इस तरह का है बना हुआ, है ना, समझा रहा जी। तो उसमें देखा दो सल्फर है ना, आपको अगल बगल से जुड़ा होगा, अगल बगल से जो रॉड देखो ना, रॉड में जो देखना एक जगह पे सी लिखा होगा, एक जगह पे एन लिखा होगा, यही हम बताए थे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, है ना जी। आओगे ना कल, या हम आपको याद दिला देना कोई दूसरा बैच में, जैसे 12th पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम फोटो दिखा देंगे टर्शियरी का, ठीक है ना, तो चैप्टर 12 में भी है सर, चैप्टर 8 में भी पेज में है ना फोटोग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिज विद अदर के साथ, दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज बना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे सर आपको टर्शियरी प्रोटीन के तौर पे, सॉरी क्वार्टरनरी के तौर पे मान लेंगे। इसका एक दो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, इसका एग्जांपल क्या देख रहे हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन है, और दूसरा एग्जांपल क्या सर आपको, है ना, एंटीबॉडी है। अब हमको याद नहीं आ रहा है, ETC लिख देते हैं, ETC अगर होता नहीं एक्चुअली में, दो ही रखो ना याद, है ना जी, इसके अलावा नहीं है, दो प्रोटीन होता है सर, इसके बारे में बताइए, हीमोग्लोबिन के बारे में कैसे आप साबित कर दीजिएगा कि सर ये क्वार्टरनरी है। देखो हीमोग्लोबिन है ना जी, दो अल्फा प्रोटीन है, दो बीटा प्रोटीन का बना होता है हीमोग्लोबिन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, हीमोग्लोबिन, और ये किसका बनाता है सर आपको, दो अल्फा प्रोटीन और दो बीटा प्रोटीन का बना होता है सर, दो अल्फा प्रोटीन और दो बीटा प्रोटीन के बने होने के कारण इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर आपको, है ना, इस दोनों को मिलाकर के एक साथ क्या नाम देते हैं, है ना जी, इस दोनों को मिलाकर के हीमोग्लोबिन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब जो दो अल्फा प्रोटीन है सर, ये है ना, दो अल्फा प्रोटीन जो देखते हैं सर, ये आपका RBC है, इससे क्या पाया जाता है सर आपको, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जी, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखते हैं सर आपको, दो अल्फा प्रोटीन है और दो क्या है सर आपको, बीटा प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। अब दो अल्फा प्रोटीन मान लीजिए ये है अल्फा प्रोटीन, ये अब बीटा प्रोटीन ये है, हम जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग समझ गए होगे, इसका सल्फर है, इसका सल्फर एक दूसरे से जुड़ा होगा, क्या है ना जी, इसका सल्फर यहाँ पे जुड़ा होगा, इसका सल्फर यहाँ पे जुड़ा होगा, यहाँ पे जुड़ा होगा जी, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे, दो अल्फा प्रोटीन ये हुआ, एक अल्फा ये वाला, एक अल्फा ये वाला, एक बीटा ये वाला, एक बीटा ये वाला, जब ये सब मिल जाता है सर तो ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। और आप लोगों को भी पता होगा हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ले जाने से होता है, इसमें भी आयरन पाया जाता है सर, ये आयरन क्या करता है ना जी, आपको ऑक्सीजन को ले जाता है। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन में दो तरह का प्रोटीन अलग से होता है सर, हीमोग्लोबिन में एक साइड हीम होता है, हीम है ना, एक प्लस क्या होता है ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन में आपको क्या होता है, दो अल्फा होता है और दो बीटा होता है सर, हीम तो सर प्रोफायरिन रिंग प्लस प्रोटीन है, प्रोफायरिन रिंग, कल रात को बता रहे थे ये लाइन, प्रोफायरिन रिंग होता है और प्लस क्या होता है सर आपको, आयरन होता है, Fe2+ वाला आयरन दिखाई देता है, ठीक है। अभी मुद्दे पे आइए, सीधे दो अल्फा प्रोटीन सब याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि हीमोग्लोबिन में कितना एमाइनो एसिड होता है जी, है ना, सीधे इधर की बात कर रहा था वो, है ना जी। देखिए अल्फा प्रोटीन है ना, एक अल्फा प्रोटीन में
141 अमीनो एसिड होता है जी, ठीक है। एक बीटा प्रोटीन में से क्या देखते हैं, 146 देखते हैं जी, ठीक है, क्या सही है? हाँ सही है। और याद कीजिए, इसको जोरदार करोगी ना तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम सब जानते ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है ना जी, मल्टीप्लाई करेंगे ना जी 2 के साथ। क्या पल्ले पड़ रहा है जी किसी को? हेलो, यस यस सर, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना जी, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के टर्म में इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2, 14 दुना 28, 572, 6 दुना 12 हो जाएगा, 14 दुना 28, 29 हो जाएगा, है ना जी, तो 4 है ना, 8 9 इसे 7 हो जाएगा, 4 एक 5, 574। इसको ऐसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट भी करके आप जैसे निकालो, आप लोग रख लीजिए 574 अमीनो एसिड होता है जी, ठीक है, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होता है, एक भी अमीनो एसिड गड़बड़ हुआ ना सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपको, है ना सर, आपको नीचे ये ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी, ठीक है, सेल जो होगा उसमें क्या होगा, दिक्कत होना शुरू हो जाएगा जी, फिर से समझो, क्या वन ऑफ द अमीनो एसिड कैन डिटर या डिफरेंट होगा, एक भी अमीनो एसिड इधर से उधर हुआ तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, हीमोफीलिया नाम का डिजीज होता है, या सिकल सेल एनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है सर, सिकल सेल एनीमिया में जो देखते हैं वो हीमोग्लोबिन के एक अमीनो एसिड के खराब हो जाने से होता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया जी, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पढ़ा दिए जी, ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें, हम बोर्ड पर भी लिखे थे डाइसल्फाइड ब्रिज तो बनेगा पर दूसरे के साथ, है ना जी, व्हेन प्रोटीन कंपोज ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना तो उसका नाम क्या सर, क्वार्टरनरी, बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, हीमोग्लोबिन पे एक दिन और चर्चा करेंगे जब हम लोग अपना आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन हेल्थ सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वहां पे हीमोग्लोबिन का बढ़िया से बताएंगे, अभी तुम क्या समझा हमसे, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में जुड़ता है जी, कल जो क्लास लेंगे तो उसमें प्रोटीन खत्म हो जाएगा जी, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ज्यादा देर का समय नहीं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, प्रोटीन के आपको फिर से टाइप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी के आधार पे, कुछ प्रोटीन में सर क्या होता है सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, और कुछ प्रोटीन में मेटल मिला होता है या कुछ और चीज मिला होता है जी, मेटल मिल गया या कुछ और चीज मिल गया तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, कंजुगेटिव, है ना, कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होते हैं जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड पाया जाता है और कुछ नहीं, तो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल कौन है और कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल कौन है वो सीखना है जी, ठीक है, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो कुछ प्रोटीन के फायदे नुकसान, यानी प्रोटीन का क्या फायदा होता है ना, ये कैसे आपकी रक्षा करता है, कैसे शरीर बनाता है, उसकी बात करेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा कल, ये रूट खत्म हो जाएगा प्रोटीन जी।